अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है आमिर भाई की छत पर आए हुए हैं। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त कबूतर है हमारे आमिर भाई के पास, टुकड़ी में काफ़ी बेहतरीन और आला किस्म के जो है कबूतर है। तो आपको कबूतर भी दिखाएंगे, साथ ही साथ आमिर भाई ने नया सेटअप लगाया है वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलने की थी, हमारे भाई का एक नया चैनल ओपन हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, कैमरा जो पकड़े हुए हमारे भाई है, जाइए जाके के उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जो है आमिर भाई का जो नया सेटअप बना हुआ है उसके सामने जो है ठहरे हुए, तो सेटअप देखेंगे और आमिर भाई से भी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई। आमिर भाई, ये क्या हाइट का है और क्या विड्थ में बनाया हुआ है आपने? ये देखिए, इसकी लेंथ जो है 14 फीट है, हाइट जो है सो 8 फीट है और इनकी डेप्थ जो है सो 6.5 फीट है। अच्छा, माशाल्लाह। और ये स्पेशली ब्रीडिंग के लिए बनाया हमें जी, और क्योंकि अपने एरिया में ज़रा मच्छर की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई मेरे को, समर में ब्रीडिंग सही नहीं कर सका मैं जी। इस वजह से जैसा कि देख सकते हैं आप, डोर पे भी स्टेनलेस स्टील की मेश लगाया हूँ मैं जी, और मच्छर नहीं जाना। हाँ, मच्छर नहीं जाने के लिए बनाया सो है जी। और ये जो है रस्ट प्रूफ है, इसके अंदर में बारिश की भी सीज़न है, अब बारिश होने की वजह से इसके अंदर रस्ट भी नहीं आएगा जी। ये 6x6 का डोर है और इसका एक साइड में जो है सो वेंटिलेशन के लिए भी मैं 5x5 का एक विंडो लगाया हूँ जी। और ये आइए, जैसा कि आप लोग अंदर ये आ जाइए मेरे लॉक में, ये देखिए भाई अंदर से कुछ इस तरह से जो है नज़ारा है, साथ में एक एग्जॉस्ट फैन भी लगाया हुआ है ताकि ह्यूमिडिटी जो अंदर बनेगी वो बाहर निकल जाएगी सुकून सा एग्जॉस्ट फैन से। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से जो है सेटअप लगा हुआ है इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन जोड़े जो है अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडिंग जो है चालू है यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पीछे भी एक वेंटिलेशन के लिए खिड़की बनी हुई है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भी एक मच्छरदानी लगी हुई है भाई, ताकि मच्छर जो है अंदर आ नहीं सके। अभी ये देखिए नए जोड़े लगाया हूँ मैं मोहित जी, जैसा कि देख रहे हैं कि भाई ब्रीडिंग स्टार्ट अभी होगी इंशाल्लाह। कुछ जोड़े जो है सो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए ब्रीडिंग और कुछ जोड़े जो है सो करने वाले हैं अभी ब्रीडिंग, तो जैसा कि इंशाल्लाह ये एक पेयर का मैं रिज़ल्ट बताना चाहूँगा जो कि अपने हैदराबाद की पुरानी ब्रीड थी, अभी जो कि बहुत कम लोगों के पास में है। ये फालसी तांबड़ों में आते खैरी कबूतरी है, फालसी तांबड़ी खैरी कबूतरी है ये माशाल्लाह। और इसके साथ में एक सेनवा खैरा मेल मिलाया था हमें, जिसका रिज़ल्ट बहुत उमदा रिज़ल्ट आया माशाल्लाह, बहुत उमदा रिज़ल्ट आया, जो कि मैं खुद को भी आइडिया नहीं था कि भाई ये बच्चा बनेगा इसमें। ये सेनवा खैरा नर है, वो बच्चा है और ये इसका बच्चा है देखो। काली जाल का बबरा बना इसमें इंशाल्लाह भी, और रंग बहुत छाने का बच्चा ये। अभी फिर से अंडे भी रख दी मादी है, और एक ये जोड़ा है सैटिनेट का, जो शायद कुछ व्यूअर्स पहले भी देखे होंगे मेरे पास, ये 3 घंटों वाली सैटिनेट का कबूतरी है गुलाबी पलकों की, और ये सेंधवा नर है इसके साथ में बच्चा। हाँ बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसका और एक एक बच्चा दूसरी जगह दौड़ाया मैं, उसका भी रिजल्ट बताऊंगा मैं। फिर से ये भी जोड़ा अंडे रख दिया, और ये तो है मौके है रंगीन, उसका भी मेरे को पहले बहुत शौक था, ये एक से एक जोड़ा रख लिया, आगरा से मंगाया था ये जोड़ा, मौके कबूतर है। बबरे चोटियाल, ये देखो क्वालिटी इनकी भाई, बिल्कुल वाइट कोटा जो बोला जाता बाहर के शहरों में, अपने पास वाइट गल्लों के बोलते। ये देखो एकदम बहुत बेहतरीन जीरो शेड, हर जोड़ा जो है अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल ब्रीडिंग चल रही है, आप देख सकते हैं। ये भी अंडे रखा हुआ है जोड़ा, नर ओल्ड अटैक का है,
ये भी जोड़ा अंडे रखा हुआ है, बिल्कुल काले जाल की बबरी कबूतरी है। ये सब जोड़े हैं, अब ये जोड़े नए मिला है, सो ये जोड़े ही है, जोड़े मिल चुके हैं। इंशाल्लाह कुछ दिन में अल्लाह चाहे तो ब्रीड स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये केज नंबर 2 माशाल्लाह। ये जोड़ा है देखिए भाई, मैं अपनी समझ से लगाया हूँ। ये सार्डिनेट मेलों का नरपट्टा है और कबूतरी नीली सार्डिनेट है। उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। और ये सादे बबरे का जोड़ा है, काली जाल वाले बबरे, ये जोड़ा ब्रीड कर रहा। और एक जोड़ा इंशाल्लाह, एक और मेरी पसंद का जोड़ा है जो कि ईरानी रोशन गले का कबूतर है। ईरानी कबूतरों की पहचान बताइए क्या है? ये ईरानी कबूतर देखिए, उम्र के जैसे इनकी चोंच चेहरा पलक होते थे, ये रोशन गले का ईरानी कबूतर है ये। माशाल्लाह बिल्कुल काले गंडों का, इसका आप चोंच चेहरा देख सकते हैं, नीलों के जैसे नहरे थे इनके चेहरे, बिल्कुल शॉर्ट भी उमर्स जो आते ना उनकी तरह इनका चोंच चेहरा रहता। और ये गुलाबी पलकों का कबूतर है, रोशन गले का ईरानी कबूतर। इसके लिए एक फीमेल लगाया हूँ, उसके साथ ये फीमेल लगी, इसके साथ ये फीमेल लगी हुई है। ये भी ईरानी क्रॉस है, डायरेक्ट नहीं है, ये ईरानी क्रॉस कबूतरी है। ये देख सकते हैं आप लोग, बबरी कबूतरी, बहुत अच्छे मेलों की ये कबूतरी। ये भी कासनी मेल है इसमें, ये देखो। ये कबूतरी मेरी पसंदीदा कबूतरी है, ये भी बबरी खैरी काली जाल में, ये खैरापन जो चेहरे पे वाइट आता इनको खैरे बोलते हैं, बबरी खैरी है, पुरानी ब्रीड की कबूतरी है। जाल बोलते हैं हाँ, तो इसके साथ ही काली जाल का कबूतर लगाया हूँ मैं, पुराने अटैक का कबूतर है। इंशाल्लाह जोड़ा मिल गया, अंडे देने वाले कबूतर अभी तकरीबन जोड़े जो है सो इसमें से अंडे देने वाले हैं। तो ये छोटा सा शौक़ है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ब्रीड चल रही है अभी, और थोड़े आगे भी देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि केजेस रेडी है इंशाल्लाह जो है बनेंगे थोड़े दिनों में, इनमें भी फिर एक और वीडियो अल्लाह चाहा तो वीडियो बनाएंगे। ये हमारे बहुत अच्छे ख़ास मोहित, बहुत अच्छे इंसान और काफ़ी जुनून है इनको कि भाई हर एक का शौक़ पूरी दुनिया में फैलाएँ। तो आप लोग सबसे मेरी रिक्वेस्ट है भाई, एज़ ए शौकीन सब लोग आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को, बहुत अच्छे हैं। और जो भी है कमेंट्स, आप शौक़ के ताल्लुक से कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। जज़ाकल्लाह खैर। आपने ये जो नया सेटअप बना है, आपने पूरा विज़िट किया, हमने पूरा जो है आपको दिखा दिया है। और साथ ही साथ काफ़ी व्यूवर्स का ये कहना था कि आमिर भाई का कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। आप लोगों ने पुराने वीडियोस देखे होंगे आमिर भाई के, साथ ही साथ वो साइड भी सेटअप है, वो अगर आपको देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वो सेटअप की भी, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी जो है आमिर भाई से जो नंबर पूछ लेते हैं, कौन कौन सा नंबर जो है देने का है वीडियो में। जी अस्सलाम वालेकुम सभी शौकीन भाइयों को मेरा सलाम। भाइयों अगर आप लोग को कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है कबूतर की हैदराबाद से, तो इंशाल्लाह कबूतर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट रुका हुआ है। बाकी मेरा नंबर है, आप मेरे से बात करने के लिए या कोई चीज़ का रिक्वायरमेंट के बारे में पूछने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9032890111। फिर से सुन लीजिए 9032890111, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और 7989874220 ये मेरा जियो नंबर है, 7989874220 ये मेरा जियो नंबर है। ये दोनों नंबर पे आप एनी टाइम कॉल कर सकते, और कोई भी चीज़ के लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है बताइए भाइयों।
साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर भी दिखा देंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाए, नंबर जो है क्लियर हो जाए। आमिर भाई ने बोलकर भी बता दिया, साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो पर लाइक हम करते हैं अपन 100 लाइक्स, तो लाइक के बटन को हिट कर दीजिए। अगर नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।